मानधाता के आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद, सभी लोग आज मिले हैं और इस सभा में उपस्थित मेरे सभी नागरिक भाइयों और बहनों, इस चुनाव के बारे में लगातार लोग आपसे मिल भी रहे हैं और लोग अपने अपने काम में जनता जनार्दन के बीच में जाकर के सारी बातों को करने का प्रयास लोग कर रहे हैं। ये जो चुनाव है, ये चुनाव बड़ा अलग प्रकार का चुनाव है। मध्य प्रदेश के अंदर आपने 2003 से पहले का मध्य प्रदेश देखा होगा, जिस मध्य प्रदेश को दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में 10 सालों में संपूर्ण मध्य प्रदेश को बंटाधार दिग्विजय सिंह ने कर दिया था। कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश का एक एक कोना, एक एक नागरिक और को मध्य प्रदेश की जनता ने उखाड़ के फेंका और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, तो उन्होंने इस मध्य प्रदेश का कायाकल्प कर दिया। और ये बात कोई चुनाव है मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आज चुनाव है, बिल्कुल ठीक बात है कि चुनाव है तो लोगों को अपनी बात जनता के बीच कहना है, लेकिन जनता को अब यह तय करना पड़ेगा कि 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उन 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया और इस मध्य प्रदेश को एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना करके खड़ा किया था। 2018 के चुनाव में दुर्भाग्य से भाजपा को वोट ज्यादा मिले थे, नंबर ऑफ वोट हमको ज्यादा मिले थे, 7 उसको रिवार्ड मिल गया और मौका मिल गया मध्य प्रदेश के अंदर एक मध्य प्रदेश के और इस देश के बड़े उद्योगपति को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री गलती से बना दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर, विकास के मुद्दे पर और भारतीय जनता पार्टी का संवेदनशील नेतृत्व के बल पर 28 की 28 सीटें जीतेगी। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जमीन खत्म हो गई, नेतृत्व खत्म हो गया, दिग्विजय सिंह तो खुद ही गायब हो गए, कमलनाथ भी अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको भी अब दरकिनार कर दिया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को यहाँ भेजने का प्रयास किया गया है। जो मैंने कहा है कि वो तो धर्मांतरण में विश्वास रखते हैं, वो मध्य प्रदेश में आकर के क्या प्रचार करने का प्रयास करेंगे। और आज एक इस देश के वरिष्ठ पत्रकार संजय सूरी ने इंग्लैंड से ये कहा है आज कि जिस प्रकार से 84 के दंगों में कमलनाथ ने झूठ बोला था और मैंने इन आंखों से देखा था कि ये प्रत्यक्षदर्शी में था, उन्होंने गवाही दी है उस कमीशन के सामने, तो संजय सूरी ने आज कहा है कि जिस प्रकार से 84 के दंगे में कमलनाथ झूठ बोल रहे थे, उसी प्रकार से इमरती देवी के एक दलित महिला के अपमान में इस देश के अंदर फिर झूठ बोलने का काम और इस देश से फिर दगा करने का काम कमलनाथ कर रहे हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है।